25 जनवरी को जगह के नावाबारी पालीपा गांव में दो दोस्तों की हत्या अर्शनाई के चक्कर में हुआ था, जिसका जिक्र गोरखपुर न्यूज ने अपने समाचार में भी किया था, जिसके क्रम में जगह पुलिस ने डबल मर्डर में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर नावाबारी पालीपा गांव के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप पुत्र रामदयाल प्रसाद निवासी बनकटा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया हाल पता नावाबारी पालीपा थाना जगह जनपद गोरखपुर, दूसरा सत्यम पुत्र ओम प्रकाश निवासी हरमापुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके निशानदेही से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल फावड़ा बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 2020 में लवली लड़की का काल्पनिक नाम के पिता का विवाद अपनी बहू से हो गया था। विवाद के दौरान ही बहू को धक्का दे दिया था और सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस घटना में बहू की हत्या के आरोप में सास ससुर लड़की लवली के माँ बाप आरोपी बने और उन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं मुख्य हत्यारोपी मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप भी गांव की एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया था। जेल में ही दोनों हत्या के आरोपी की मुलाकात लड़की लवली के मां बाप से हो गई। दुष्कर्म के आरोप में बंद युवक आकाश और गणेश की हत्या का मुख्य आरोपी मिथुन बाद में जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद मां बाप की रजामंदी पर लवली मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप के साथ 11 महीने तक रही, लेकिन बाद में दोनों की जाति अलग होने की जानकारी हुई तो घर वालों के कहने पर लड़की लवली काल्पनिक नाम ने रिश्ता तोड़ दिया था। लड़की ने हत्यारोपी का नंबर मोबाइल में ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और बातचीत भी बंद कर दी। इसी बीच लड़की का संबंध आकाश से हो गया था। आरोपी ने आकाश को उस लड़की से दूर रहने की हिदायत भी दी थी, लेकिन आकाश ने नजरअंदाज कर दिया। इस पर आरोपी ने अपने एक साथी को हमराज बनाया और आकाश के कत्ल की साजिश रच डाली। गांव के पास ही जेसीबी से किसी ने मिट्टी का खनन कराया था, साजिश के तहत इसी में हत्या कर शव को ठिकाने लगाना तय किया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 25 जनवरी को थाना जगह में दो युवकों का शव खेत में मिला था, जिसके अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था तथा घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मिथुन ने पूछताछ में बताया कि वह गांव की ही लड़की लवली से प्यार करता था तथा उससे शादी करना चाहता था। उसके साथ ग्राम पलिपा में बतौर पति पत्नी 11 महीने तक रहा और उसी गाँव के रहने वाले आकाश व गणेश जायसवाल से उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी तथा आकाश से अवैध संबंध हो गया था तथा गणेश भी अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसके कारण लड़की ने हत्यारोपी मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप से शादी करने से मना कर दिया। उसे शंका हुआ कि आकाश व गणेश जायसवाल के कारण ही हत्यारोपी मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप की प्रेमिका ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण हत्यारोपी ने आकाश व गणेश की हत्या करने की योजना अपने दोस्त सत्यम के साथ बनाई और 16 जनवरी की रात्रि में एक महिला से मिलने के बहाने हत्यारोपी मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप आकाश व गणेश जायसवाल को गुलाब जायसवाल के खेत के पास बुलाया और अपने दोस्त सत्यम के सहयोग से आकाश के सर पर फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी और गणेश भागना चाहा, जिस पर उसके दोस्त सत्यम ने गणेश का पैर पकड़कर खींच लिया। तब हत्यारोपी मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप ने गणेश को भी फावड़े से उसके सिर पर मारकर हत्या कर दी। एसपी नॉर्थ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी के द्वारा 25,000 का पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में जगह थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक देवी शंकर पांडे, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल दुर्गेश मिश्रा, करुणापति तिवारी, प्रभात मिश्रा, अशोक कुमार सहित राकेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, अरे कहीं भूत तो कटा पटान मर दो लोग निकालो निकालो दो दो है दो दो जब हथवा पकड़ लिया इनके चलो तो निकालो निकालो आगे पैरों उठाओ बाबा निकालो वो इसकी निकालो।
दस से सोलह तक ये इसी के चक्कर में घूमते रहे। बीडा जो पलिका गांव में एक स्कूल है जो गांव के बगल में है, जो लगभग उजड़ा हुआ है, उसी के पास में काफी वो इन्हीं तीन जगहों पे ये लोग नहीं पर यही घूमते रहे हैं। प्लानिंग के तहत इनको वो अकेले नहीं मिल पा रहा। उस दिन भी जब ये उसने मौके पर बुलाया है कि वहाँ चलना है तो 10 तारीख के बाद से वही आसपास तीन जगह ये रहे हैं। हाँ मालूम है गीडा के पास में, गीडा में बाघा गाड़ा जो इसका स्कूल है, इन्हीं दोनों तीनों जगहों पे ये अपना घूमते रहे, अपनी प्लानिंग करते रहे कि कहाँ से। एक दो प्लानिंग की थी, एक तो चोरी करने की। झंगहा में दिनांक 25 को दो लड़कों की डेड बॉडी मिली थी, तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है, उस संबंध में प्रेसवार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगहा की टीम और जनपद की SOG टीम, सर्विलांस टीम सबकी मदद से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मिथुन उर्फ शिवम और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जो प्रकरण पूरी जांच पड़ताल से सामने आया वो इस प्रकार रहा कि सत्यम उर्फ शिवम उर्फ मिथुन की लवली नाम की एक लड़की से अंतरंगता थी। उसके माँ बाप की जेल में इसने मदद की है, ये जेल में पहले गया भी है, एक बलात्कार के मामले में 8 महीने जेल में रह के आया है। तो जेल में इसकी मुलाकात लवली के माता पिता से हुई और वहाँ इसने उनकी मदद की और उसकी माता को जमानत दिलाने में भी सहायता किया। इसी एहसान और उसके चलते वो लड़की लवली इसके संपर्क में आ गई और इसके साथ वो करीब 11 महीने लिव इन रिलेशन में रही। इधर 3-4 महीने से उसने इससे संबंध ख़त्म कर लिया था और बात करने और मिलने से और शादी करने से मना कर दिया था। इसको ये शक हुआ कि ये किसी दूसरे लड़के के संबंध में आ गई है, उसके प्रभाव में आ गई है, उससे उसका अफेयर हो गया है, इस चक्कर में ये उसको छोड़ रही है। तो इसका शक उसी गांव के आकाश पर गया क्योंकि आकाश के यहाँ ये जब यहाँ इसके साथ लिव इन में रह रही थी तो ये दूध लेने जाता था और कभी कभार इसकी अनुपस्थिति में वो लड़की भी जाती थी, उसकी आकाश से बातचीत भी होती थी। इस पर इसने आकाश को और उसका एक भाई जो पट्टीदारी में लगता था उनको बताया कि तुमको पैसा हम कमवाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे तरीके हैं, और काफ़ी झांसा दिया कि जाली नोट का व्यवसाय कराएंगे और ये कराएंगे, तुम लोग फोन ऑफ करके और हमारे साथ में आ जाओ। इसने बुलाया, फिर प्लानिंग करके उन लोगों को एक विद्यालय के पास में वहाँ पर इन लोगों ने शराब पिया और आकाश को घटनास्थल पे बुलाया जहाँ इसका साथी पहले से मौजूद था, वहीं पर उसको फावड़ा मार के उसकी हत्या की। तब तक गणेश भी वहाँ पहुँच गया और वो देख के भागने लगा तो इसने लेकिन चूंकि बरसात थी तो चप्पल उसकी फिसल गई, वो गिर गया वहीं पर और इसने फिर उसकी हत्या कर दी एक फावड़ा मार के और दोनों को बॉडीज़ को गड्ढे में दफन किया। और इस पूरे घटनाक्रम में इसने बहुत शातिर अंदाज में सर्विलांस को चकमा देने के उद्देश्य से मोबाइल का बहुत कम प्रयोग किया, ना के बराबर, और मोबाइल को पुलिस को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से
बहुत काम किया, जैसे कि मोबाइल को कंपनी के नंबर पे मिला देना, उसके बाद मोबाइल घर पे छोड़ देना और स्वयं दूसरी जगह दूसरा नंबर लेके चले जाना। अब वो उससे मोबाइल का वही नंबर दिखा रहा है, लोकेशन वही दिखा रहा है, लेकिन ये दूसरी जगह टहल रहा है। जो फावड़ा बरामद किया गया है उस पर से सारे इसने फिंगरप्रिंट के निशान मिटा दिए, हालांकि इसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। ये संभवतः जनपद में पहला मर्डर होगा जिसमें ग्लव्स का और फुटप्रिंट मिटाने का प्रमाण है। तो इस तरह से इसने शातिर तरीके से उस लड़की लवली से अफेयर के शक में उनकी हत्या की। इनकी गिरफ्तारी यही गांव के बाहर से की गई है आज प्रातःकाल में। ये थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं विम्सिकल है या सनकी टाइप का है, तो इसका जो बातचीत से इसका लगता है कि हाँ ये इस तरह की मानसिकता का है कि अगर लड़की नहीं मिली तो रास्ते में जितने भी आएंगे उनकी हत्या कर देंगे। इसने भी मदद किया है, ये मौके पर मौजूद था और इसने उनको गड्ढे में दबाने का, गड्ढा भरने का ये सब काम किया है। ये पहले से ही टेप लेकर के गया था, चूँकि फोटो बाइंडिंग करता है तो टेप इसके पास में रहता है, बड़ा वाला टेप था। तो इसने हाथ पैर रस्सी बांधने उसके बजाय उसको टेप से करने की वो किया, निर्धारित किया, ताकि वो अगर वहाँ से कुछ हिलना डुलना चाहे या आवाज़ निकालना चाहे तो वो ना निकल सके और उसी एक छोटे से गड्ढे में दोनों एडजस्ट हो जाएं, उनके हाथ पैर ना फैलें। तो सेट करके उसने दोनों को उसी में डाला।